आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती। जो किसान भाई साधारण तरीके से मिर्च की खेती कर रहे हैं, यानी ड्रिप नहीं लगाई है, मल्चिंग नहीं लगाई है, और जो खाद का शेड्यूल है वो किस प्रकार देना है, कौन सी खादों को देना है, कौन सी सावधानी रखनी है, और जो हम खादों को दे रहे हैं कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन करके खाद का डोज देना है, प्रति एकड़ कितनी मात्रा पर देनी है, कौन सी सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। तो जो खाद देंगे उसका भी कम खर्च पर अधिक उपज मिले और बेस्ट रिजल्ट हमको प्राप्त हों, ऐसे खाद के शेड्यूल के बारे में बताइए। पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, तो किसान भाइयों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यह वीडियो बनाई जा रही है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो पर कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। ज़रूरी बात ये है कि जो हम खाद बताएंगे वो जो आपका प्लांट्स हैं जड़ों से लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर दूर आपको एक गड्ढा खोदना है, और गड्ढे की गहराई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर हो, ऐसा आपको एक गड्ढा खोदना है जड़ों से 6 से 7 सेंटीमीटर दूर। और उस पर आपको क्या करना है कि दूसरे दिन गड्ढे पर खाद को देकर गड्ढे को बंद कर देना है, और वापस से आपको सावधानी पूर्वक काम करना है क्योंकि जड़ें भी ना कटें। और उसके बाद खाद को आपको देकर जो हम मिश्रण बताने वाले हैं, गड्ढे को वापस से बंद कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जो किसान भाई साधारण खेती कर रहे हैं तो उनको हम बताने वाले हैं खाद का शेड्यूल, लेकिन जो खाद का शेड्यूल का अंतराल है दिनों का, वो 15-15 दिनों के अंतराल पर हम आपको खाद का शेड्यूल बताने वाले हैं। मान लीजिए आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो खाद किस प्रकार देना है, कृपया ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने पौध रोपाई कर दी और आपकी जो मिर्च की फसल है पौध रोपाई से टीपी ट्रांसप्लांट से 15 दिन की हो चुकी है, तो आपको कौन सी खाद लेनी है। 20 किलोग्राम यूरिया और साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम और साथ ही कार्बेंडाजिम 500 ग्राम, इन तीनों का मिश्रण तैयार करना है, और जड़ों के पास जो आपने गड्ढा खोदा है उस पर देगा गड्ढे को वापस से बंद करके दूसरे दिन आप सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब पौध रोपाई से 30वें दिन 15 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम DAP के साथ 10 किलोग्राम MOP, इन तीनों को मिश्रण तैयार करके जड़ों के पास जो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर दूर जो गड्ढा खोदा है उस पर मिश्रण तैयार करके एक एक दो दो चम्मच के हिसाब से आप एक एकड़ पर पूरा डोज हो जाए, इस प्रकार आपको देना है प्रति एकड़ की दर से। 45वें दिन 19 19 19 6 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, इनको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। 60वें दिन NPK 0:52 6 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास आप दे सकते हैं। 75वें दिन 0:50, क्योंकि इस समय पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 5 किलोग्राम NPK 0:50, पोटेशियम सल्फेट, बोरॉन 250 ग्राम और साथ ही 13:45 NPK खाद 3 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे सकते हैं। इसके साथ ही 90 दिन की जब हमारी मिर्च की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। 115 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 6 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, और जो गैप है 15-15 दिनों का आप अंतराल रख सकते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल 120 दिन की होती है तो 13:45 6 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप दे सकते हैं। जब हमारी मिर्च की फसल 135 दिन की होती है टीपी से तो 0:50 6 से 8 किलोग्राम दे सकते हैं। मिर्च की फसल 150 दिन के आसपास की होती है तो 13:40 13 6 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास आप दे सकते हैं। और जब 170 दिन के आसपास की मिर्च की फसल होती है तो वेसल डोज आपको देना है DAP 20 किलोग्राम, MOP 25 किलोग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। यदि आप चाहें तो जी यूरिया है नाइट्रोजन को आवश्यकता अनुसार इसका डोज कम भी कर सकते हैं। यदि प्रॉपर फसल हरी भरी है तो आप यूरिया या फिर नाइट्रोजन का जो डोज है कम भी करके यदि आप अपनी मिर्च की फसल पर देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट तो प्राप्त होंगे, साथ ही काफ़ी अच्छी उपज और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन, फसल भी हरी भरी रहेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि मिर्च की फसल पर स्पेशल स्प्रे के बारे में आप वीडियो बनाइए तो बहुत ही
जल्द हम एक वीडियो बनाने वाले हैं मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहले पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।